मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एलवी यादव ने गमला चुरा लिए। अरे यार, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मेरे पास आप लोग के लिए बहुत सारी अपडेट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो गाइस, एलविश यादव के ऊपर जो गमला चोरी का आरोप लग रहा था, उसके ऊपर अब पुलिस का भी रिएक्शन आ गया है और उन्होंने एलविश यादव के बारे में क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सर, इसमें एलविश यादव का नाम आ रहा है कि एलविश यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था क्या? एलविश यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, वो इस गाड़ी में था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है, जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूबर को चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज उसका यहाँ कोई रहा। यानी एलविश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? नहीं, इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। वही गए थारा भाई जोगिंदर भी एलविश यादव की कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्शन दिए और उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये कहा। भाई अभी भी सो के उठा हूँ, पता है एक न्यूज सुनने में आ रही है, मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एलविश यादव ने गमला चुरा लिए। अरे यार, हमारा हंसी मजाक एक अलग चीज है। अगर राव साहब के ऊपर कोई दिक्कत आ गई ना, तो राव साहब ही खड़े हो जाएगा चारों तरफ। और एलविश, इस मैटर में भाई हम तेरे साथ हैं। अरे खड़ा मोनू दिल्ली वाला साथ है ना? बिल्कुल साथ है भाई, सपोर्ट है एलविश। हां भाई, डोप सपोर्ट है, सपोर्ट है भाई, और कोई दिक्कत नहीं एलविश, डरने वाली बात नहीं है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं बीबी की वाइंस के बारे में। तो गाइस, भुवन बाम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किया, जहां पर वो बताए कि वो कपिल शर्मा से मिले और जल्दी कपिल शर्मा के शो में आने वाले हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं द यूके जेसन राइडर के बारे में। तो गाइस, कल इनके एक नया म्यूजिक वीडियो आया है और वहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि क्या उस म्यूजिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में 1 मिलियन कमेंट्स हो सकती हैं या नहीं। मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि 1 मिलियन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा हमारी ब्रोसीना ने आज। आई होप 1 मिलियन कमेंट का अगर ब्रोसीना कर देती है। वैसे आज तक सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं आप सब लोगों ने। आई विश गाइज एंड आई होप ये भी तोड़ ही दोगे, बट अगर ये तोड़ दिया ना, कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा फिर खत्म है यार इसके बाद। वेल, आप लोगों को बता दूं कि पिछले इनके म्यूजिक वीडियो में करीबन 800,000 कमेंट आ गई थी और इस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 1 मिलियन कमेंट्स कर दो। तो कितने कमेंट हुए चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अभी गाइस, इनके म्यूजिक वीडियो को आए करीबन 20 से 22 घंटे का समय हो चुका है और इनके म्यूजिक वीडियो पर करीबन 660,000 से 670,000 कमेंट हो चुकी हैं और अभी 340,000 जितनी कमेंट्स बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इनके म्यूजिक वीडियो पर 1 मिलियन कमेंट्स पूरी हो पाएंगी या नहीं? आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस, सौरव जोशी के व्लॉगिंग चैनल पर 8 बिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 800 करोड़ व्यूज उनके चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं टोटल गेमिंग के फेस रिवील के बारे में। तो गाइस, हाल ही में मेक जॉक ऑफ के ऑनर सौरभ शुक्ला ने ट्विटर पर ट्वीट किया था और ये कहा था कि उन्होंने नया कैमरा ऑर्डर किया है और ऐसे में सबको लग रहा था शायद फेस रिवील करने वाले हैं। अब दोस्तों, उसी ट्वीट का रिप्लाई देते हुए टोटल गेमिंग ने भी एक ट्वीट किया और वहां पर उन्होंने लिखा है कि सेम कैमरा मैंने भी ऑर्डर किया है, यानी कि वो बता रहे कि मैं भी फेस रिवील करने वाला हूं। अब ये करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। जी दोस्तों, हाल ही में भूल भुलैया 2 मूवी आई थी, बहुत सुपरहिट मूवी हुई थी, उसमें कार्तिक आर्यन थे। अब यहां पर दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि उनकी भूल भुलैया 3 मूवी आने वाली है और वो 2024 में आने वाली है। तो क्या गाइस, आप लोगों ने कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी देखी या नहीं, और भूल भुलैया 3 के आने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं? आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सभी अपडेट पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे और अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।